हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एम फॉर वेलनेस विद रिचा। आज की वीडियो का टॉपिक है सम कॉमनली अवेलेबल सीड्स एंड देयर बेनिफिट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आजकल सीड्स बहुत फैशन में है, और क्यों ना हो, सीड्स आर पावर हाउस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये जितने छोटे होते हैं उतने ही ज्यादा न्यूट्रिशियस, हेल्दी एंड डिलीशियस होते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं चिया सीड्स की। चिया सीड्स आजकल काफी पॉपुलर हैं, और दे आर रिच इन प्रोटीन, दे आर रिच इन मैग्नीशियम, मैंगनीज, सो मेनी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एंड इसको खाने का क्या तरीका है, इसको रॉ नहीं खा सकते हैं, यू नीड टू गेट देम सोक्ड बिफोर ईटिंग। और बेस्ट वे है, आप इसको कर्ड में स्प्रिंकल कर सकते हैं और थोड़ी देर में आप वो कर्ड खा सकते हैं। या फिर मैं पसंद करती हूँ, अभी सर्दी में तो नहीं, गर्मियों में आई टेक सत्तू वाटर अलॉन्ग विद मी टू माई ऑफिस एंड आई पुट थोड़ा सा ही एक चम्मच चिया सीड्स इन देम, और उसके बाद में थोड़े स्वेल हो जाते हैं और इसको बहुत मतलब सत्तू वाटर के साथ मैं ले लेती हूँ। अदरवाइज कर्ड में भी आप डाल के इसको खा सकते हैं। नेक्स्ट इज अनदर माय फेवरेट, जो मैंने अभी रिसेंटली ही स्टार्ट किया है, पम्पकिन एंड सनफ्लावर सीड्स। पम्पकिन एंड सनफ्लावर सीड्स हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, और ये बहुत ज्यादा डिलीशियस भी है। एंड द गुड थिंग इज दिस कि आप इसको रॉ भी खा सकते हैं, या आप घर में इसको रोस्ट करके भी खा सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इंस्टेड ऑफ मंचिंग ऑन नमकीन्स और बिस्किट्स, ये बहुत डिलीशियस है एज अ स्नैक खाने में। और आजकल मैं इसको ऑफिस में एक छोटे से बॉक्स में अपने साथ कैरी करती हूँ, और जब मुझे भूख लगती है तो आई एंजॉय देम, आई मंच ऑन देम। सो नेक्स्ट है फ्लेक्स सीड्स एंड ससमी सीड्स। अच्छा, ये जो चिया सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं और सनफ्लावर सीड्स हैं, आप इनको फुल लाइक पूरे साल, ऑल ईयर राउंड यू कैन हैव देम। लेकिन जो नेक्स्ट है फ्लेक्स सीड्स, दैट इज अलसी और तिल, जैसे ससमी सीड्स, ससमी और फ्लेक्स सीड्स को आपको विंटर्स में ही कंज्यूम करना है। फ्लेक्स सीड्स की बात करें तो आप उसको रॉ नहीं खा सकते हैं, इवन तिल को भी इट्स बेटर टू रोस्ट देम। फ्लेक्स सीड्स बेसिकली ग्राउंडेड खाए जाते हैं ताकि उनकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाए, और जो तिल है वो भी बेटर है कि आप उसको रोस्ट कर दें। आप इसको चाहे रोस्ट करके खाइए या ग्राउंड करके खाइए। और इन दोनों के, फ्लेक्स सीड्स और तिल जो है, इनके लड्डू भी बहुत बेनिफिशियल है विंटर में। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में भी ये रिच है, और ये भी हमारे हेयर, स्किन, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। और अगर आप मेरी बात करें तो मुझे तिल बहुत पसंद है, अपने पराठे बनते टाइम, जब हम पराठा बना रहे होते हैं उस टाइम उसमें अगर आप स्प्रिंकल कर दें तो ये बहुत बहुत डिलीशियस लगते हैं। और बाकी इन सीड्स को अपनी स्मूदीज में डाल सकते हैं, आप इसको सैलेड्स के ऊपर डाल सकते हैं, एंड आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। सो इंट्रोड्यूस दीज स्मॉल सीड्स इन योर डाइट टू सी ग्रेट चेंज इन योर हेल्थ। सो हैव अ वेरी नाइस टाइम। बाय।